सज्जनों और देवियों, कुछ बात होती हैं विश्वास की और कुछ आचरण की। इन दोनों बातों में सही रास्ता होने से जीवन सही बनता है। विश्वास अगर गलत है तो रास्ता गलत हो जाता है। सत्य में विश्वास करने से कल्याण होता है, और जो सत्य नहीं है, उड़ी उड़ी बातें हैं, उसमें विश्वास करने से भटकाव होता है। जैसे भूत प्रेत, भूत प्रेत की चर्चा वेदों में भी है, झाड़ फूक वेदों में भी है, ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन पूरा का पूरा झूठ है। भूत प्रेत कहीं नहीं होते। देखो, यहाँ भूत प्रेत नहीं है, लेकिन यहाँ से अकेले अगर नदी में चले जाओ तो भूत पकड़ेगा, क्योंकि अकेले में होते हो तब भूत पकड़ता है, और कोई अगर रहता है तो भूत दूर रहता है। अगर प्रकाश जलता है तो वहां भूत नहीं रहता है, अंधियार होता है तब आता है। अंधियार में आता है तो प्रकाश होने पर कहां चला जाता है? प्रकाश होने पर तो रहना चाहिए। वास्तव में जिनके दिमाग में अंधियार है उनके लिए भूत प्रेत है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, और इसमें अच्छे अच्छे लोग भटक रहे हैं। अंग पड़कने से हान लाभ मानते हैं, पुरुष का बायां और स्त्री का दायां अंग फड़के तो नुकसान है, और पुरुष का दायां फड़के और स्त्री का बायां तो लाभ है, ऐसा मानते हैं। कुछ नहीं है। वाय विकार से अंग फड़कते हैं, अंग फड़कने से कोई हान लाभ नहीं, लोग दिशाशूल मानते हैं। जैसे मंगल बुध को अगर उत्तर जाओ तो काल है, और गुरुवार को दक्षिण जाओ तो मौत है। गुरुवार को लोग भी यहाँ बोड़ेली से सूरत जाते हैं, तो बोड़ेली से जो सूरत के लिए और बड़ौदा से सूरत के लिए बसें ट्रेनें छूटती हैं, सबका एक्सीडेंट हो जाता है। और सूरत से बड़ौदा मंगल बुध को भी लोग आते हैं, कुछ नहीं होता है। इसलिए दिशाशूल बिल्कुल झूठी बात है। घर से निकले, खाली घड़ा देखे तो कहते अब शकुन हो गया, और पानी भरा हो घड़े में तो लाभ है, कुछ नहीं। चाहे छूछा घड़ा हो चाहे भरा घड़ा हो, कोई फर्क नहीं। कोई छींक दिया तो कहते काम बिगड़ गया, अगर काना ब्राह्मण मिल गया तो काम बिगड़ गया, और विधवा स्त्री मिल गई तो काम बिगड़ गया, और विधुर पुरुष मिला तो काम नहीं बिगड़ता। स्त्री विधवा हो गई तो पाप उसको मानते हैं, और पुरुष विधुर हो गया उसकी पत्नी मर गई तो उसको पाप नहीं, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुषों ने अपने हाथ से स्वयं अपनी पीठ ठोक ली। अपने हाथ से जैसे कोई अपनी पीठ ठोके कि वारे हम, वैसे पुरुष लोग अपनी पीठ ठोक लिए। इनकी पत्नी मर गई तो ये पापी नहीं है। अब अगर कहीं किसी स्त्री का पति मर गया तो स्त्री पापी है। कैसे पापी वो है, वो पुरुष पापी नहीं, कुछ नहीं। ये सब सब भ्रम है। विधवा स्त्री देखने से कोई नुकसान नहीं। कहते हैं सन्यासी देखो तो अशुभ है, और वेश्या और सुअर देखो तो शुभ है, ये पंडितों का जाल है। पंडितों ने कहा गांव में सन्यासी आएंगे, देखोगे तो अपशकुन हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा,
क्योंकि सन्यासी आएंगे, साधु आएंगे तो ज्ञान की बात बताएंगे, कर्मकांड घटेगा तो पंडित की पूजा ही घटेगी। इसलिए कहा सन्यास देखना अशुभ है, वेश्या देखना शुभ कह दिया। अब इससे अधिक मजाक और क्या होगा? सुअर को देखना शुभ माना और सन्यासी को देखना अशुभ, ये पंडितों की लीला है। पंडित लोग, पुरोहित लोग बड़ा बड़ा चक्कर डाल गए दिमाग में और लोग परेशान रहते हैं। हाथ की रेखा किसी को न दिखाओ, हाथ से मेहनत करो। जो हाथ की रेखा पढ़ते हैं दूसरे की, वे अपने हाथ की रेखा नहीं जानते हैं। जो दूसरे की तकदीर बताते हैं, अपने तकदीर का उनको पता नहीं। एक जमींदार थे तो पंडित तो अपने पुरोहित को बुलाए, उनको यात्रा करनी थी एक सप्ताह के बाद, तो अपने पुरोहित को बुलाए कि जरा आवें, साइत विचार दें और तिथि बता दें कब निकलूं। पंडित जी घोड़ी पर चलते थे, घोड़ी पर बैठे चले, बड़े खुश हुए। रियासतदार आदमी बुला रहे, उनके यजमान थे तो लाभ अच्छा होगा। बाग में से जा रहे थे, बाग में एक पेड़ की डाली झुकी हुई थी, ध्यान नहीं दे पाए, घोड़ी उछलती हुई जा रही थी और डाली पंडित जी के सिर में लगी और घोड़ी से गिर पड़े और सिर फूट गया। दूसरे का शुभ बताने जा रहे थे पंडित जी और अपना अशुभ हो गया। इसलिए इन भ्रांतियों में कभी न पड़ो। लगन मुहूर्त शोधने की जरूरत नहीं है, लड़की और लड़का को देख लो, दोनों की योग्यता ठीक हो, समय ठीक हो, ऋतु ठीक हो, आपकी गृहस्थी के अनुसार जब अच्छा लगे तय कर लो, विवाह कर लो, बस पंडित की कोई जरूरत नहीं, लगन सुधवाने की कोई जरूरत नहीं। बच्चा पैदा हो उसकी जन्म कुंडली कभी न बनवाओ। बच्चा पैदा हो तो दिन तिथि लिख लो, समय लिख लो, तारीख लिख लो, बस काफी। जन्म कुंडली बनवाओगे तो झंझट में पड़ोगे। जन्म कुंडली में लिखा रहेगा शुभ अशुभ तो दिमाग खराब रहेगा। जब ये लड़का 27 वर्ष का होगा तो बहुत बड़ा ग्रह है और उसके पहले उसका दिमाग खराब होगा, बिला वजह की बात। राम और सीता की शादी की लग्न वशिष्ठ, विश्वामित्र और सतानंद, तीन मूर्धन्य विद्वानों ने सोधा था और फल क्या हुआ? विवाह के बाद से ही झंझट शुरू हुई। वनवास हुआ, रावण हार ले गया, फिर जब रावण पर विजय हुई अयोध्या आए तो अयोध्यावासियों ने राम को उल्टा पलटा कहा तो राम ने सीता को निकाल दिया, जंगल में कर दिया, जीवन भर उनको दुख रहा। वशिष्ठ, विश्वामित्र, सतानंद जैसे विद्वान सोधे लगन और कोई फायदा नहीं हुआ और नुकसान हुआ। इसलिए विचारवान बनो, किसी की तकदीर को कोई नहीं जानता है और तकदीर जानने की हमें जरूरत नहीं है। अपना काम करना, तकदीर से क्या मतलब है? मेहनत करो खूब कस के और रोटी नमक मिलेगा, भात खाना चाहोगे तो भात मिलेगा। रोटी नमक तो एक लाक्षणिक है, दाल भात रोटी सब्जी ये सब मिलता रहेगा और तन ढकने के लिए कपड़े भी मिलेंगे और सोने के लिए जगह भी मिलेगी। ये तीनों मिल जाए तो क्या और जरूरी है? देखो, मनुष्य के अलावा कोई प्राणी कपड़े नहीं पहनते हैं और कोई मकान भी उनके नहीं है और कोई खाता भी बैंक में उनका नहीं खुला है और संग्रह भी कुछ नहीं है और रोज खाते हैं और पीते हैं और घूमते हैं। सुबह देखो पक्षी चहचहाते हैं, ऐसा ऐसा स्वर निकालते हैं पक्षी, क्या पूछना।
सुबह में जब घूमने गया उत्तर तरफ आज, तो एक पक्षी बोले तो दूसरा पक्षी उसका साथी बने, वो भी उसी ढंग से बोले, वो पक्षी पक्षी के स्वर में स्वर मिलाते हैं एकदम मस्त। अब आदमी सो के उठेगा तो मालूम होता है बीमार है, चेहरा खराब, उत्साह ही नहीं है, उलझा उलझा, उद्वेगित उद्वेगित, मार दुख मालूम होता है, पूरी दुनिया का बोझा इसी के सिर पर लदा है। जबकि कपड़ा पहने है, मकान है, घर में अन्न पानी है, रुपया पैसा है, कई लोगों के खाता भी है बैंक में, आमदनी है, और दुखी है। और पक्षी की क्या है, और मस्त। कुत्तों को देखो, जो पाले जाते हैं कुत्ते, उनको तो मालिक से नियमित रूप में भोजन मिलता है, लेकिन आवारा कुत्ते जो गांव में हैं उनको क्या मिलता है, कहीं कोई एक टुकड़ा मिल गया मिल गया। लेकिन देखो सड़क में धूल धूल में आंख मूंदे सोते रहते, न गद्दा की जरूरत, न रजाई की जरूरत, न तकिया की जरूरत, मस्त। उधर से निकलो तो कई कुत्ते होंगे थोड़ा आंख खोल के देख लेंगे फिर बंद कर लेंगे, बादशाह की तरह मस्त। आदमी जैसा कोई दुखी नहीं, आदमी महादुखी, क्योंकि इसका विश्वास सही नहीं। ये विश्वास नहीं पड़ता है कि खाने को मिलेगा, और जब से जन्मा है रोज खा रहा है, ऐसा नमक हरामी आदमी रोज खाता है और सोचता है क्या खाएंगे आगे, जन्म भर खाने को मिलेगा। कितने लोग कहते बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा, और जिनके लड़के नहीं होते वो बड़े दुखी होते हैं कि बुढ़ापा कौन सेवा करेगा। अपने आसपास में देख लें, जिनके लड़के हैं उनकी रोज रात दिन आरती उतारी जा रही है, जरा देख लो, पता लगा लो, आपके घर के आसपास लड़के वाले बहुत लोग होंगे, कितनी सेवा उनकी हो रही है। ये भ्रम है, जिनके लड़के नहीं होते उनकी भी सेवा हो जाती है, और लड़के होते हैं कई बार लड़के सेवा नहीं करते हैं, दूसरे सेवा कर देते हैं। इस संसार में कुछ ठिकाना नहीं, सोचो कुछ हो जाता है कुछ, इसलिए अपने मन को गुलाम न बनाओ, अपने मन को कहीं बांधो मत, आत्मविश्वास रखो। ये समझ लो आपकी गलती के अलावा आपका नुकसान करने वाला कोई नहीं, और आपके सद्गुण के अलावा आपको सुख देने वाला कोई नहीं। प्रेमी से प्रेमी आपको सुख नहीं दे सकते, कोई आपकी जी हुजूरी कर सकता है, लल्लो पत्तो कर दे, मीठ मीठ बात कर दे, आपकी बात में बात मिला करके आपको खुश कर दे, या सेवा कुछ कर दे, इससे आपको सुख थोड़े मिलेगा। जब अपने में सद्गुण होंगे तब सुख होगा, और दुर्गुण होंगे तो दुख होगा। इसलिए हमारा विश्वास सही होना चाहिए। देवी देवता में लोग विश्वास करते हैं, और देवी देवता कैसे होते हैं, या तो आकाश में देवता रहता है या तो पत्थरों की पिंडियों में, प्राणियों में नहीं रहता है। जो बोल डोल नहीं सकते हैं, जो अपनी मक्खी नहीं हाँक सकते हैं, उनको कहते हैं लोग देवता। और जो बोल बोलते डोलते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, उनको देवता नहीं समझते हैं। कितना गलत विश्वास है। देवता ये प्राणी है, और शुरुआत करो इसकी मान्यता की अपने घर से। बड़े देवता घर के माता पिता हैं, घर में जो माता पिता हैं वो बड़े देवता हैं। और ऋषियों ने भी ये कहा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है।
ये प्राणी देवता हैं, पत्नी, पति, पिता, पुत्र, भाई, सास बहू, ननद भावज, देवरान जेठान, मित्र मित्र, भाई भाई, ये सब देवता हैं। इनमें देवत्व बुद्धि रखो। किसी संत या महापुरुष के चित्र या मूर्ति हो तो स्मारक हैं उसके, बस याद दिलाते हैं। जब वो चित्र देखेंगे तो महापुरुषों की याद आएगी, मन अच्छा बनेगा, यही लाभ है। अब आप घुटने टेक करके उससे भोग मोक्ष मांगो, वो क्या देगा? और उसकी पूजा क्या है? स्वच्छ रखना। किसी महापुरुष का चित्र आपके घर में है, उसे स्वच्छ रखिए, दीवार में टांग दीजिए, और उसके ऊपर कुछ न टांगे। कुछ लोग दीवार में संत का चित्र टांग देंगे तो इधर उधर से आएंगे तो कुर्ता उठा करके उतार करके उसे टांग देंगे, ये बहुत गलत है। रस्सी टांग देंगे, ये कहो जूता नहीं टांगते ही कुशल है। तो चित्र किसी के रखो तो साफ रखो, उस पर और कुछ न टांगो, ये उसका उसकी पूजा है। दाल भात खाए तो खिला दो, नहीं खाता तो खिलाने की क्या जरूरत है? अब चित्र लोग रख लिए तो दाल भार रख करके तो दीयम वस्तु गोविंदम का करके पानी उछालते हैं, और एक चावल और खाने वाला नहीं है। तो ये सब विश्वास हमारा सही होना चाहिए, जो खाए उसे खिलाओ। ज्यादातर होता है जो खाता है उसकी खुराक छीनी जाती है, और जो नहीं खाता है उसको खिलाया जाता है। मंदिर में पूजा करेंगे और शालिग्राम भगवान और मूर्ति एक दाना नहीं खाएगा और उसको भोग लगाएंगे, और जब दुकान पर बैठेंगे तब दूसरे खुराक छीनेंगे, डाढ़ी पसंगा मारेंगे, व्यापार में बेईमानी करेंगे, ऑफिस में बैठेंगे क्लर्क और अफसर हैं तो घूस लेके काम करेंगे, तनख्वाह तो उनको मिलती है सरकार से लेकिन घूस लेके काम करेंगे। तो जो खाने वाले हैं उनकी खुराक छीनेंगे, और जो नहीं खाने वाले हैं उनको भोजन कराएंगे। ऐसी भक्ति से कहीं कल्याण होता है? जो खाने वाले हैं उनकी खुराक न छीनो। आप किसी खिला न सको कोई दोष नहीं है, लेकिन किसी खुराक न छीनो। अगर एक दूसरे को धोखा देना बंद हो जाए तो संसार सुखी हो जाए, लेकिन एक दूसरे को धोखा देने में लगे रहते हैं तो विश्वास हमारा सही होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा या मोक्ष है तो उसको किसी लोक लोकांतर में मान करके विश्वास करते हैं, ये भटकाव है। हमारा परमात्मा या मोक्ष हमारे अंदर है। परमात्मा कह देने से ईश्वर, ब्रह्म, राम, रहीम सब आ जाता है, मोक्ष कह देने से कल्याण, निर्वाण सब आ जाता है। तो परमात्मा और मोक्ष दूर नहीं है, अपने आपा में, स्वयं में, ये विश्वास होना चाहिए। विश्वास में बड़ी गड़बड़ियां होती हैं। कितने गुरु हैं कहें कि आंख मुदो, आंख मुदा दिए, अब आंख पर उंगली रख दिए थोड़ी तो चिमचिमाया, तो कहे भगवान के दर्शन हुआ ना, जो दिखाई दी कहे हाँ दिखाई दी, बस वही भगवान का दर्शन हो गया। अब आंख की गर्मी को भगवान बता दिए। कोई कहे कि कान में उंगली डालो, कान में उंगली डाल ली तो गनगनाहट की आवाज आई, तो कहे ये ब्रह्म की ध्वनि है और नसों की झनकार है। तो इस प्रकार अस्थूल क्रियाओं को करा करके उसमें लोग भ्रम डालते हैं कि तुम्हें परमात्मा का दर्शन मैंने करा दिया। परमात्मा का दर्शन कहीं होता है? दर्शन दृश्य का होता है। जो दिखाई देता है वो रूप है, पांच विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों जड़ हैं। शब्द जो कान से सुनाई देता है, स्पर्श जो चाम से छूने में आता है,
रूप जो आँख से दिखाई देता है, रस जो जीभ से चखने में आता है, गंध जो नाक से सूंघने में आती है। ये पांचों विषय जड़ अचेतन विकारी है, परिवर्तनशील है। तो अगर किसी रूप को देखते हो तो परमात्मा कैसे होगा? रूप होगा वो जड़ होगा, परमात्मा तो देखने वाला है, आप देखने वाले, आप परमात्मा। परमात्मा उच्चतम आत्मा जिसके मन के मोह शोक मिट गए हो परमात्मा हो गए। जैसे आदमी वही है, एक आदमी अनपढ़ है, एक थोड़ा पढ़ा लिखा है इसलिए चपरासी है, कोई खूब पढ़ लिख लिया इसलिए कलेक्टर कमिश्नर है, लेकिन है तो सब आदमी, पढ़ लिख लिए कलेक्टर कमिश्नर हो गए। इसी प्रकार आत्मा वही है, लेकिन जब उसकी उच्चतम दशा हो गई तो परमात्मा कहलाता है। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, ये सब शब्द आप लोगों ने सुना होगा। प्रेत आत्मा का अर्थ होता है गया हुआ आत्मा, प्रेत का अर्थ होता है जो चला गया, प्रेत आत्मा यानी गया हुआ आत्मा। दुष्ट आत्मा खराब स्वभाव का आत्मा, शुद्ध आत्मा अच्छे स्वभाव का आत्मा, महात्मा इंद्रियों को जीत लेने वाला, और परमात्मा गुणातीत जिसका चित्त हरदम प्रसन्न रहता है, जिसके मन में कभी दुख नहीं होता है, जो दुनिया के हानि लाभ से ऊपर उठा रहता है, सारी हानि सारा लाभ दो दिन का तमाशा है। इसमें पके बाल वाले जितने बैठे हैं वे कल्पना करें, सोचें कि आज से 50 वर्ष पूर्व जो उनको हानि हुई थी आज उसका क्या मूल्य है, और लाभ हुआ था तो क्या मूल्य है? कुछ नहीं, सब भागा जा रहा है। इसमें जितने बूढ़े बैठे हैं सब दूल्हा बने होंगे कभी, लेकिन किसी बूढ़े से पूछो कि बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो नाखुश हो जाएगा, वो सोचेगा मुझे चिढ़ा रहे हैं, नाखुश हो जाएगा। और जब दूल्हा बना था तो उसको कितनी गर्माहट रही हो, दूल्हापन के कितने दिन का है? एक दिन का है, एक दिन दूल्हा बना दिए बस खत्म हो गया मामला, तो दूल्हा होने में कौन आनंद है? आया और गया, जितनी चीजें हैं सब भाग जाती हैं, पद मिलता है पद खारिज हो जाता है, समय समाप्त हो जाता है। रिटायर्ड लोग इसमें बैठे होंगे, और कुछ लोग रिटायर्ड की तरफ चल रहे हैं। राष्ट्रपति उस पद से अलग हो जाता है, प्रधानमंत्री अलग हो जाते हैं। देखो अभी कुछ दिन पहले अटल जी थे, और दोबारा भी होने वाले थे लेकिन बेचारे नहीं हुए, अब दूसरे हो गए। तो पद का कुछ ठिकाना नहीं, पद पदार्थ संसार की सारी चीजें पानी की धारा की तरह बहने वाली है, जिसमें हमें अहंकार है, अभिमान है, गर्माहट है, वो क्षणिक है। इस बात को जो हरदम समझता है वो कभी दुखी नहीं होता है। हानि आई, लाभ आया, अनुकूल आया, प्रतिकूल आया, संयोग हुआ, वियोग हुआ, प्रशंसा हुई, निंदा हुई, क्या धरा है इसमें? आया और गया, खत्म मामला। जिसके चित्त में निरंतर प्रसन्नता है उसको गुणातीत कहते हैं, निर्मल मन। जिसका मन निर्मल होता है उसी का मन प्रसन्न होता है, अब अगर कभी अप्रसन्न है तो उस समय मन निर्मल नहीं। कभी प्रसन्न कभी अप्रसन्न, तो ये क्षणिक स्थित है। जब निरंतर प्रसन्न रहे, कभी दुख हो ही नहीं, ये परमात्मा की दशा है।
आप परमात्मा और उसी परमात्मा पद के लिए सत्संग सेवा भक्ति की जाती है, उसमें ठहरो। परमात्मा तो हैं लेकिन उस ज्ञान नहीं है और उस दशा में ठहरते नहीं हैं। अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोय, कहें कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न होए। साहब कहते हैं कि लोग अमृत वस्तु नहीं जानते, विष में ही अमृत है मान लिए। साहब कहते हैं कामो नहीं जीव ही मरण न होए, जीव का मरण नहीं होता है और जीव में कोई कामना वासना नहीं। जीव का स्वरूप निर्मल है, उसमें कोई कामना वासना नहीं है और उस स्वरूप से अमर है। लेकिन जब इस जीवन में रह करके उस निष्काम दशा को साधे तब वो दशा आएगी। स्वभाव से तो आत्मा निर्मल है लेकिन संग दोष में मल बना लिया है। काम क्रोध लोभ राग द्वेष कलह कल्पना ये सारे विकार बना लिए हैं। इन विकारों को जो धो डाले वो निर्मल हो जाएगा। और हर आदमी में बल है, वो अपने मल को धो सकता है। मनुष्य में ऐसी शक्ति है कि सारे दोषों को जीत सकता है। इसमें बहुत से सज्जन बैठे होंगे जो बीड़ी पीते होंगे, क्या कोई हाथ उठाएगा जो पीने वाला है? नहीं कोई उठा रहा है, मालूम होता कोई पीता नहीं। लेकिन जो पीने वाले हैं ध्यान दें, वे बीड़ी को छोड़ सकते हैं, उनमें बल है। छोड़ देंगे तो जीवन भर के लिए सुखी हो जाएंगे और पीते रहेंगे तो गलत करेंगे। भगत लोग बीड़ी पीते हैं, कितना गलत बात है। गंदी गंदी आदतें लोग डाल लेते हैं, अपने आप को समझ नहीं पाते हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं। दाल भात खाते हो ठीक है, पानी पीते हो ठीक है, फल दूध मेवे मिष्ठान मिले खा लो अच्छा है, बीड़ी पीते हो तो क्या पाते हो, तम्बाकू खाते हो तो क्या पाते हो, गुटखा खाते हो तो क्या पाते हो, शरीर का नुकसान करते हो, मन का नुकसान करते हो, धर्म का नुकसान करते हो, सब प्रकार से अहितकर काम करते हो। इसलिए आचरण की पवित्रता की जरूरत है। समझ सही हो और आचरण सही हो तब इंसान इंसान है। समझ सही नहीं है, विश्वास गलत है, अंधविश्वास। तकलीफ हुई भुआ के पास पहुंच गए भभूत लेकर लौंग लेकर जड़ाने के लिए, और अनेक अंधविश्वासों में लोग लटके रहते हैं। जब प्राणियों की हत्या करते हैं देवता के स्थान पर तब और क्या कहा जाए। जिसको खुश करना चाहते वो निर्जीव है देवता, और जिसको काटते हैं वो सजीव है। निर्जीव आगे सरजीव थापे लोचन किछो न सूझे। साहब कहते निर्जीव पिंडियों के सामने सजीव प्राणियों को काटते हो, तुम्हारी आंखों से कुछ सूझता नहीं। ये अंधविश्वास का परिणाम है। हमारे भक्तजन तो इसके लिए समझदार हैं, ये सब अंधविश्वास में नहीं रहते हैं। बस थोड़ा बीड़ी उड़ी कुछ लोग पी लेते हैं और भी कोई तम्बाकू माकू खा लेते हैं। बीड़ी में ज़्यादा प्रेम है क्योंकि बीड़ी पी करके अपना नुकसान करते हैं और दूसरे के ऊपर भी धुआं उड़ेल देते हैं और का भी नुकसान कर देते हैं, इसलिए ज़्यादा लाभ कर समझते होंगे। ये सब छोड़ो, पवित्र बनो, विश्वास सही और आचरण सही, और इसके लिए ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, कबीर साहब की वाणी का खूब पठन पाठन करो, मनन चिंतन करो। आजकल सुविधाएं हैं कैसेट सीडी इत्यादि की, उसको सुनो। आजकल इतनी सुविधा हुई है, पहले कहाँ सुविधा थी। आजकल है लगा दो टेप रिकॉर्डर में और सुनते रहो प्रवचन अपने घर में बैठे। तो
ये बराबर सुनो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो। जैसे कोई आहार विहार त्याग दे तो सूख जाएगा, फिर जीवन नहीं रहेगा। बिना खाए पिए जिंदगी नहीं चल सकती है। इसी प्रकार अगर कोई ज्ञान का प्रवचन न सुने, ज्ञान की बातें न पढ़े और उसे सोचे ना, विचारे ना, चिंतन न करे, तो मन बढ़िया नहीं होगा। आप लोग सब किसान हैं, जानते हैं खेत में से घास निकाल दी जाती है, कंकड़ पत्थर हटा दिया जाता है और जुताई गुड़ाई की जाती है, खाद पानी डाले जाते हैं, तब जाकर के उसमें उपजाऊ शक्ति बनती है, तब बीज डालने से लाभ होता है। ऐसे ही जमीन में कोई बीज डाल देगा तो क्या होगा? हर जगह कमाई की जरूरत है। एक बच्चा पढ़ता है, लगन से पढ़ता है, उसकी पढ़ाई सफल होगी, लगन नहीं है तो फेल होगा। एक कला सीखना है, संगीत कला ही सीखना है, तो संगीत कला वाले रोज अभ्यास करते हैं। किसी दिशा में उन्नत करना है तो उसमें परिश्रम जम के करना चाहिए कल्याण के लिए। कल्याण अगर हमें इष्ट है, कल्याण का मतलब है इस जीवन में सुखी संतुष्ट रहना, निर्भय रहना, आत्म संतुष्ट रहना। जो आज आत्म संतुष्ट है आगे भी संतुष्ट रहेगा। जीत न तरियो मुए का तरी हो, जीते जो न तरे। साहब कहते जो जीती जीती नहीं तरा, मरने पर क्या तरेगा। तो आत्म कल्याण जिसे इष्ट है उसे साधना भजन सेवा भक्ति में मन लगाना चाहिए, बारंबार चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि कूड़ा कचड़ा की संभावना सर्वत्र है। सुबह से उठे और एक एक कलह प्रपंच दुनिया के आए तो उसमें मन उलझ जाएगा, अपना मन बिगड़ा हुआ पहले से है और इधर उधर की चीजें पा करके, सूचनाएं पा करके मन क्षुब्ध होगा। लेकिन मन में जिससे शांति रहे वो तो ज्ञान की बातें हैं, और उस वो तो कहीं मिलने वाला नहीं, प्रयास करो तो मिले। नींद खुली, लड़के बच्चों का कुछ ऐसा आप व्यवहार देखे जो अच्छा नहीं लगा और क्रोध आ गया, दरवाजे पर आए कुछ ऐसा दिखाई दिया जो अनुकूल नहीं रहा, क्रोध आ गया, तो कूड़ा कबाड़ आने की के साधन तो हर जगह है। लेकिन जिससे मन में शांति आए वो चीज मिलना दुर्लभ है, वो आपको स्वयं परिश्रम करके प्राप्त करना। इसलिए अपनी आध्यात्मिक कमाई करो। मैंने आपसे कहा था विश्वास और आचरण ये दोनों ठीक होने चाहिए। हमें प्राणियों में देवत्व का विश्वास करना चाहिए, ये प्राणी देवता हैं, प्राणियों के साथ आदर व्यवहार, अंधविश्वास से ऊपर झाड़ फूक जंतर मंतर भूत प्रेत और शकुन अपशकुन अंग फड़कने की बातें जितनी ये सब हैं, ये सब कूड़ा कबाड़ है। ये परंपरा से प्राप्त होता है और इसमें लोग उलझे रहते हैं। भूत प्रेत कोई बीमार हो गया तो कहते भूत पकड़ लिया, लेकिन किसी घर में चोरी हो जाता है जब, तो कोई नहीं कहता है चोर भूत प्रेत हमारे घर में चोरी करने आए ले गए, कोई नहीं कहता, उसमें मनुष्य ही को कहते। हाँ बीमार पड़ गए तो भूत चढ़ बैठा, तो वो सब भ्रम है। अंधविश्वास से ऊपर उठो, विवेक द्वारा सही विश्वास करो, जहाँ जो है उसको उस ढंग से सोचना सही विश्वास है, और अपने मन वाणी कर्मों की पवित्रता सही आचरण है। कोई चोरी करके, व्यभिचार करके, हत्या करके, डाका डालकर, धोखा देकर, किसी को संताप देके कभी सुखी नहीं होगा। अगर स्वयं सुखी रहना चाहते हो तो किसी को तकलीफ कभी न दो,
मन वाणी कर्म से ऐसा प्रयत्न रखो कि किसी के लिए अशुभ चिंतन न हो, किसी के लिए कटु वचन न हो, अपने विरोधी के लिए भी कटु वचन न कहे। विरोधी है जैसी उसकी समझ है करता है, हमारे अंदर से अगर कटुता आएगी तो उसका फल हमें स्वयं भोगना पड़ेगा। अपने मनवाणी कर्मों की निर्मलता, तो विश्वास सही और आचरण सही, और ये दोनों सही रखने के लिए सत्संग सेवा भक्ति आधार है। इसका आधार लेकर के अपना कल्याण करो। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।